सतगुरु दे द्वारे प्यारे शरदा नल जाई जावी सतगुरु दे द्वारे प्यारे शरदा नल आई जावी सतगुरु दे द्वारे प्यारे शरदा नल आई जावी सतगुरु दे द्वारे प्यारे शरदा नल आई रखी शरदा ना तोड़ बैठी बेड़ा ना रोड़ बैठी शरदा ना टूट जाए ते मैं हमेशा अर्ज करना महापुरख बाबा नंद सिंह कहिंदे हुंदे सी माया गई कुछ नहीं गया तंदुरुस्ती गई कुछ कुछ गया क्योंकि सेहत नाल ही है सेवा सेहत नाल ही है नितने पज पज सेहत गई कुछ कुछ गया जे तेरी तेरे गुरु तो शरदा गई फिर सब कुछ गया फिर ना कुछ रह गया सिखी ते खलोती हुई शरदा सिदक दे भरोसे है संगते शरदा है जिन्हां दी उन्हां लई सब कुछ है जिन्हां दी शरदा नहीं वो कुछ नहीं प्राप्त कर सकते कल भी अर्ज कीती सी धन्या ओए क्यों पत्थर पूजी जाना है पत्थर नहीं सुनता फरियाद किसी की कहिंदा कोई गल नहीं मेहनत नहीं जाती बर्बाद किसी मेहनत बर्बाद नहीं जाती सो इस करके ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਤਾ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਚੰਗਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਆਪਣਾ अपना मकान ले लिया मकान लेके फिर सतगुरु के चरणा च गए दर्शन किते दीदार किते ना महाराज तैसो ही मैं दीठ तैसो ही Yeah.
गई, डोल दे मन नू सहारा मिल गया। दीदार करके मैं अर्ज करना हुना महापुरखां दे, जदों कदी जाने ना बरसी ते मैं भी जाना, जिन्ना कोल मैं रहा शरदा है भावना है अपनी अपनी, तेरे बाद जिंदगी तो सहारा किसने देना सी, तेरे बाद जिंदगी तो सहारा किसने देना सी, तेरे बाद जिंदगी तो प्यारिया ने स्टेज पर आना है, उठना नहीं किसी, कृपा करके बैठे रहना है, सजे रहना है। यह कर्म है तेरा, होया कुछ करण दे काबल, सागर तरण दे काबल, उड़ाना भरण दे काबल। ये हौसले भरिया हुलारा किसने देना सी, तेरे बाद जिंदगी ने सहारा किसने देना। आओ पंज प्यारिया नू जी आया आखिए, सज जाओ संगते, उठना नहीं। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖੀਏ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੋਈ, ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੀਏ, ਲੱਗੇ ਖੰਡੇ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਬਾਣ
संगत अमृत छक के आई है भागा वाले ने गुरमुख जिन्हां नूं सतगुरु जी ने अपने बनाया है एक सौ सत पुराने गुरु के जहाजे चढ़े ने महाराज साहब जी ने जिन्हां ते कृपा की है आओ सारिआं नूं जी आया आखिए जेड़े अमृत छक के आए ने उन्हां नूं वधाई दईए सारे गज के चाहे अमृत संचार का समागम का कलगी धर दे वधे परिवार का पंथ की चढ़ती कला का ओ गुरमुख ओ वीर ओ भैणा सब बाहां खड़ियां जरूर करे जे कृपा करे सारे बोले सो निहाल बोले सो निहाल बंस की फूल से निशान अज दे दीवान बोले सो निहाल बोले सो निहाल जेड़े महाराज साहब जी के चरणा नाल जुड़े अमृतधारी होए जेड़े सिंह सजे जिन्हां नूं सतगुरु जी ने अपने बनाया है वो सब वधाई दे पात्र मेरी अरज जिन्हें जुड़े वो चढ़ती कला वाला अपना जीवन बनाउणा अपनी जिंदगी घट तो घट पांच पांच चार चार नूं होर अमृतधारी बनाओ सारिआं दा साडा फर्ज बनदा है अगर हर अमृतधारी अपने फर्ज नूं समझे हर सिख समझे जिथे माता प्रति कोई फर्ज है पिता प्रति फर्ज है घरवाली प्रति फर्ज है बच्चों प्रति फर्ज है रिश्तेदार प्रति फर्ज है समाज प्रति साडा कोई फर्ज है उत्थे धर्म प्रति भी साडा कोई फर्ज है धर्म साडे सिर दा ताज है धर्म प्रति फर्ज निभाउंदिआं भावें सारे फर्ज पिछे रह जाण कोई गल नहीं इह सब नालों उच्चा है सब नालों जरूरी है शहीद हो गए गुरमुख प्यारे गुरसिख परिवार रह भी गए पर कोई गल नहीं उन्हां नूं कोई माड़ा नहीं कहिंदा क्योंकि वेखो परिवार नूं पालना परिवारक जिम्मेवारियां निभाउणियां जरूरी ने पर कई निक्के निक्के बच्चियां नूं छड्ड के शहीद हो गए निक्के निक्के परिवार बच्चियां नूं छड्ड के आपां कुर्बान कर गए उन्हां नूं क्यों नहीं कोई कहिंदा भी बच्चे निके निके छड़ के चले गए बच्चों दी जिम्मेवारियां नहीं निभाइया उन्होंने कभी कोई नहीं कहेगा क्योंकि धर्म प्रति फर्ज सारिआं नालों वड्डा है सब नालों जरूरी है ते गुरु दे सिख ते धर्म वास्ते अपनियां जानां भी वार जांदे आ ते साडा फर्ज बनदा है असी होरां नूं जोड़िए अपनी जिंदगी च घट तों घट पंज पंज नूं अमृतधारी बनाइए पंज पंज ना बनाइए एक एक बनाइए पर माड़े भाग गए ते असी आप ही बन जाइए इन्नी ही बड़ी वड्डी गल है असी खुद ही अमृत छक लईए वेखो संगत जी इत्थे तीन दवान लगे ने मैं बार बार जदों उदों भी आया सां ऐदकी भी आया इको गल बार बार कह रहे अमृत छको सिंह सजो कह किन्हां नूं रहे आ मैनूं दसो तुहाडे च किन्ने हिंदू बैठे
किन्ने ने हिंदू किन्ने मुसलमान बैठे ने मैं किन्ना नू कह रहा अमृत छको बार बार किन्नू कह रहा धन गुरु गोबिंद सिंह जी की औलाद नू सिखा नू आप सारे उस सिख धर्म में पैदा हुए हैं गुरुद्वारे जाने वाले हैं गुरु ग्रंथ साहब नू मत्था टेकने वाले हैं ते अपने भाईचारे नू कहना पवे साडा ते फर्ज असी होरां नू अमृतधारी बनाईए मैनू तुहाडे चों एक बंदा दसे रोज हिंदू महात्मा कथा करदे ने सारा सारा दिन उन्हां दे चैनल चलदे ने कदे एक हिंदू ने कहा होवे भी हिंदू बन जाओ नहीं कहिंदे नहीं कहणगे कदी कदी कोई मुसलमान तो सुनो भी मुसलमान बनो सानू ही कहना पैंदा सिख बनो अमृतधारी होवो सिंह सजो सिंह सजो सिंह सजो बार बार क्यों कहना पवे असी अपने फर्जां नू पछाणीए असी होरां नू सगों जोड़न की कोशिश करिए यतन करिए पहरेदारां नू अर्ज करांगा जरा टिकाओ संगत नू भाई सारी संगत नू बेनती है बह जाओ सज जाओ सारे उठो ना कोई जेडे रह जाओगे बाद च मत्था टेक लियो थोड़ा समा सज जाओ बस थोड़े मिनट कृपा कर दियो मरिंडे दवान है रात का नाज मंडी चौथे में पहुंचना है थोड़ा जा समा आप जी का करता बख्श मन जोड़न की कोशिश करो मैं अर्ज कल बार बार करके गया सा कि जे सारा टब्बर सुता होवे चोर की चोरी करने की हिम्मत ही उदों पैंदी है जे सारा टब्बर जागेगा फिर चोर की हिम्मत है भी चोर चोरी कर जाएगा जे असीं आखदे आ भी साडे धर्म नूं साडे इतिहास नूं विगाड़दे ने सन लांदे ने बेअदबी करदे ने वह बेअदबी करन वाले करदे ही तां ने असीं खुद सुते होए आ असीं सारे जागीए नहीं तो पंजाब की धरती उत्ते सिखां ते कोई गोलियां चला जाए पंजाब की धरती होवे पंजाब की धरती दे उत्ते पंजाबियां नाल ही अत्याचार हो रहा है इत्थे बाहरों आके लोग कोई बिहार तो आ रहा है कोई कितों आ रहा है वह अपने डेरे स्थापित कर लेंदे ने ते उन्हां नू वेख आपां होणा तुहाडे पिखी कितना कुछ होया तुसीं वेख्या ही है तुहाडे नेड़े ही है हुण वेखो गुरमुखो उत्थे दीवान लगे महापुरशां दे संगत होई की होया इन्नी गल ही उन्होंने आखी भी आ माड़ा हो रहा माड़ा हो रहा भाई आ गलत होया साडे सतगुरु की बेअदबी की है कि सानू इन्ना भी कहण का हक नहीं अपने सिखां नूं गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह दे बारे कोई बंदा गलत टिप्पणी करता है पंजाब की धरती उत्ते ते सिख किवें बर्दाश्त कर सकदे ने पर दुख इस गल दा है भी इन्नी भी गल तुसीं अज कह नहीं सकते जे कोई गुरु गोबिंद सिंह नूं कहिंदा कही जाए फिर की फायदा पंजाब की धरती ते रहिंदे आ यह वसाया ही गुरु गोबिंद सिंह साहब ने मालवा मालो माल मालवा बह जाओ मालो माल मालवा गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह ने आख्या मालवा वसदा ही तां मैं अर्ज करांगा मालवे वालिआं नूं मालो माल मालवा इतिहास च लिखिआ है ते दुआबे च जाके वेखो मालवे वर्गियां उत्थे फसलां नहीं हुंदियां माझे च जाके वेखो मालवे वर्गियां फसलां नहीं हुंदियां उत्थे मालो माल मालवा महाराज सच्चे पातशाह ने आख्या है हुंदा ही की सी इत्थे पर सारी कृपा धन गुरु गोबिंद सिंह दी है साडे पिता गुरु गोबिंद सिंह मालवे विच विचर के थां थां उत्ते इत्थे दा इतिहास है इत्थे सामने गुरुद्वारा साहिब है गुरु तेग बहादुर साहिब जी का मारिया होया तीर अजे भी इत्थे पिया है महाराज सच्चे पातशाह पानी खारा है आप जी कृपा कर दियो धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने गुरु तेग बहादुर साहब ने तीर मारिया जिथे तीर पहुंचया उथों पुटिया ते खारा पानी उथों मिठा पानी निकलिया मिठा जल निकलिया वो खूह अजे तक है इस नगर च बाकी भी खारा है नहीं वो कला खूह मिठा नहीं कर गए सारा इलाका ही मिठा कर गए कितों खारा निकलता पानी दसो किसे समय खारा सी पर हुण मिठा है घर घर नलके लगे ने घर घर मोटर लगियां ने एक खूह दा पानी नहीं साडा इलाका ही मिठा कर गए ओ गल वखरी है साडे मन मिठे नहीं होए साडे मनां दी कुड़ित्तन नहीं गई पानी बदल गया असी नहीं बदले थां बदल जांदे ने दरख्त बदल जांदे ने पर असी नहीं बदलदे ये बड़ा वड्डा फर्क है फगवाड़े दा पानी अज भी खारा है गुरु हरगोबिंद साहब ने आख्या सी वेख्या फग्गू दा वाड़ा उत्तों मिठा विचों खारा फकीर सी फग्गू उहदे नां ते है फगवाड़ा ते फगवाड़े दे विच जाके वेखो सारे शहर दा पानी खारा है गुरु हरगोबिंद साहब जी दा बचन अज भी पूरा है
पीण वाला पानी बाहरों आता है, फगवाड़े के विचाले नलका ला लो खारा पानी निकलता। हुण भी कह गए सन कहिंदे उपरों मिठा विचों खारा, उत्तों उत्तों मिठिया गल्लां करना अंदरों ते खारा है। वह बचन अज भी उवें जिवें है, तुसीं वेखो जाके फगवाड़े दे विच पानी मिठा नहीं, खारा है, बाहरों मिलदा पानी। इत्थे दा इलाके दा पानी मिठा कर गए गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह। पर मैनूं दुख नाल कहना पैंदा है कि इस इलाके च रहिंदे ने उहनां नूं पता ही नहीं होना भी इत्थे तीर भी है, दर्शन कराई गए। इत्थे वह बाटा भी मैं कल दर्शन करन गया, वह बाटा भी वह पंडितां दे घर विच अजे भी सांभिया जिस बाटे नाल गुरु तेग बहादुर साहब जी ने दुध छकिया। वो गल वखरी है, कई गल्लां अखों परोखे साध संगत कर दित्तियां गईयां ने, पर इतिहास बड़ा वड्डा है इस नगर दा। कई थावां ते गुरुद्वारे इन्ने वड्डे ने, मानता इन्नी वड्डी है, इतिहास बहुत छोटा है, पर सत दिन इस नगर च गुरु तेग बहादुर साहब रहे। इत्थों दा इतिहास बहुत वड्डा है, ते चाहीदा सारे इलाके वालियां दा फर्ज बनता है भी इन्हां इतिहासक गुरुद्वारियां नूं होर वड्डियां बनाउण वास्ते पूरा तन मन धन नाल डट के सेवा करो। ये साढ़े सारे इलाके ते कृपा करके गए गुरु तेग बहादुर साहब, सत दिन इस नगर च रहे। वह बेरी अजे भी मौजूद है, वह छन्ना अजे भी इत्थे ही है, वह तीर अजे भी इत्थे ही है, वह खूह हुण भी इत्थे ही है। सतगुरां ने पानी मिठा किया, जिहड़ा कृपा की सच्चे पातशाह ने, बचन किया सी चार पुत होणगे तेरे जजमान दे घर। पंडित नूं कहा महाराज ने गुजर नूं कि तेरे जजमान दे घर चार पुत होणगे, चारां दे चारे नंबरदार होणगे, ते बचन अज भी सतगुरु दा पूरा है। ते मैं अर्ज करांगा संगत जी, पंजाब दी धरती ते कृपा करन वाले गुरु तेग बहादुर साहिब, मालवे दी धरती ते कृपा करन वाले धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह पिता साडे, पर इत्थे होर ही पिता बने फिरदे ने। ते जे मेरे वर्गा कोई बंदा, कोई प्रचारक, कोई साधु, कोई अज गल करदा है, उहनां नूं फड़ के जेलां च डक दिंदे ने। कहिंदे क्यों तुसी गुरु गोबिंद सिंह चंगे, कहो भी नहीं नहीं इक्को जिहे ने सारे, मैं किवें कह दिया इक्को जिहे ने, किवें बराबर वधा दईए। फोटोआं तुसी वधा ते बराबर रख सकदे हो, असी नहीं रख सकदे बराबर। कोई गुरु गोबिंद सिंह दी चरण दी धूड़ वर्गा भी नहीं बन सकदा बराबर। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਦੀ ਧੂੜ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 100 ਜਨਮ ਲੈ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਨੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਝਗੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀ, ਮਾੜੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ। आप यह भी नहीं कह सकते भी गुरु गोबिंद सिंह की साढ़े कृपा है, क्यों कोई गुरु गोबिंद सिंह की बेअदबी करे, क्यों कोई नकल करे, क्यों कोई पखंड करे। सवाओ मैं अर्ज कर रहा, सौदर ध्यान दियो, सात संगत धर्म प्रति साढ़े फर्ज ने, उन्हां फर्जा नूं पछाणीए। साडा धर्म प्रति फर्ज है कि असी होरां नूं जोड़न की कोशिश करिए, यतन करिए, खुद भी जुड़ांगे ते तां ही किसे नूं जोड़ांगे। खुद शराब पीण वाला दूजे नूं किवें कह सकदा तू पीणी छड्ड दे, खुद जेड़ा जुड़िया है वह किसी दूजे नूं तां जोड़ सकता है। इस करके मैं अर्ज करांगा संगत जी, सारे वीरां नूं बेनती है, वेखो जिन्ने इत्थे आए ने साडी सुणदे ने, जिहड़े आउंदे ने उहनां नूं मैं की सुणावां। इत्थों अद्धा किलोमीटर ते बैठे जिहड़े ताश खेडदे ने उहनां नूं मैं की सुणावां, उहनां नूं तुहानूं सुणाउणा पैणा। तुसीं इस पिंड च रहिंदे हो, तुसीं नगरां च रहिंदे हो, तुहानूं कहना पएगा। अपने घर तों प्रचार शुरू करो, घर घर अंदर धर्मशाल होवे, कीर्तन सदा वसोआ, घर घर विच प्रचारक पैदा होणगे तां अज गल बनेगी। साडा फर्ज है एक दिन सब नूं मड़ियां दे विच जाना पएगा, एक ना एक दिन आप शरीर ने सड़ जाना है, जीव ने सड़ जाना है, अखां ने सड़ जाना है, क्यों ना कुछ ऐसा कर जाइए जिहड़ा जिउंदा रहे, कम जिउंदे रहणगे असीं मर जांगे। साडे चंगे कीते कम, साडी सोच जिउंदी रहेगी असीं मर जांगे। सोच नूं छड़ जाओ, कुछ चंगा जरूर करके जाओ, अपने घर तो प्रचार शुरू करो। जिंदगी च एक नूं भी जोड़िया है, तू दरगाह च जोड़न वालियां दी लाइन च खलोवेंगा, उस लाइन च जिस लाइन च बाबा अतर सिंह खलोते ने, उस लाइन च जिस लाइन च बाबा जरनैल सिंह खलोते ने,
उस लाइन च खलोएगा जिधर जोड़न वाले खलोते ने ते ते तू जिंदगी ते जे तोड़न वाले च खलोएगा फिर वेख लै फरोक्सी वाले फरोक्सिया वाली लाइन जकरिया वाली लाइन वजीदे वाली लाइन च खलोना पएगा केड़े पासे खलोना है ये हुण असीं सोचना है जे असीं बाबा अतर सिंह दे पिछे खलोना है जाके कि असी फरोक्सियर वर्गे जेडे तोड़न वाले सन सिखी घटाउण वाले सन सिखां नूं मारन वाले सन असी उहनां दी लाइन च खलोना है ये सानू फैसला करना पएगा ते आओ एक ना एक नूं जिंदगी च जरूर जोड़िए ते खुद भी जुड़िए धर्म प्रति फर्ज साडे समझिए धर्म नूं सिर दा ताज बनाइए ਸਾਡੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਧਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਆਓ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਵਾਰੇ ਆਇਆ ਜਾਏ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਿਦਕ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛੋਂਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਗੂੜਾ ਮਲਵਈ ਜੱਟ ਸੱਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਬੰਦਾ गया अमृतसर साहब की धरती माझे की धरती ते मकान ले लिया जदों सतगुरु के दर्शन किए निहाल हो गया ते फिर महाराज सच्चे पातशाह ने बुलाया नहीं लभदा फिरदा है वो सेवा करनी है जिहड़ी सारियां तो औखी होवे असीं ओह सेवा करने आ जिहड़ी सारियां तो सौखी होवे इत्थे प्रबंधक ने ना जे कह देण भाई आ इदां पंडाल करना है मैं नौकर लग्या तेरा मैं नौकर रखिया किसे दा पर भाई गुरदास जी कहिंदे ने ओए गुरुद्वारे इस तरह सेवा करिया करो जिवें नौकर करदा है गोला मुल खरीद कारै जोबणा मुल खरीदे नौकर वांगू काम करना चाहीदा है जिवें तनखाह लैण वाला नौकरी ते नौकर ते नखरा की नौकर कादा नखरा करेगा अपने आप नूं समझ वी मैं गुरु घर दा ते नौकर ही आ मैं वड्डा अपने घर होवांगा मैं 20 एकड़ दा मालक घर होवांगा ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਾਹਦੀਆਂ ਮਾਲਕੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਦਲਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਾਲਕ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕਰਾ ਜਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਾ ਲੈਣਗੇ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਕੱਲ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਬੋਲੇਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਂ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਲਕ ਬਣ ਬਣ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਮਾਲਕ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਥੋੜਾ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦਰਦਾਂ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੰਗਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਨੇ ਇਸ ਬੂਹੇ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਦਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ सच्चे पातशाह दे चरणा च जाके सिखां नूं पुछिया कहिंदे ओह सेवा दसो जिहड़ी औखी होवे बाबे आदम नूं किसे ने आखिया जंगल चों लकड़ां कट के लिआउणियां सब तों औखी सेवा घर वाले नूं कहिंदा चल चलीए लकड़ां कट के लिआया करिए महाराज नहीं बोले अजे तक दर्शन ही कीते ने सिर्फ आप लकड़ां कटदा है घर वाली लकड़ां कट्ठियां करदी है एक भार एक पंड लंगर च जिन्नी लंगर च लोड़ है जेड़ा वाधू दा एक भार ले आया करन अपने घर च जमा कर देंदे सी भी कदे लोड़ पै सकदी मीह कणी च कई महीने सेवा करदियां नूं लंघे ना महाराज सच्चे पातशाह ने बुलाया ते ना इह दूरों ही दर्शन करके प्रसन्न बस दर्शन हो गए इन्ना ही बड़ा है दीदार हो गए ने इन्ना ही बहुत है बस दर्शन कर ले महाराज सच्चे पातशाह दी खेड ऐसी वरती बरसात ना हटे जिन्नियां लकड़ां इन्हां दे घर विच सन इन्हां ने लंगर च लियातियां लंगर चल पिया लंगर मस्ताना हो गया सी वाधे पै गया क्योंकि लंगर विच लकड़ां नहीं सन इन्हां ने सारे घर दियां लकड़ां लिया के लंगर च सुट दित्तियां संगत इशनान करे ते ठंड लगे ठंड दा मौसम सी धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह दी खुशी लैण लई बाबा आदम कहिंदा भागवान ने संगत जिहड़ी है ठंड विच फिरदी है ठंड बड़ी है की कीता जाए इन्हां ने आख्या लकड़ां ते है नहीं धूणियां ला दईए सरोवर दे आले दुआले संगत नहावे ते अग हथ पैर सेके होर ते कुछ नहीं सुझिया अपने घर दे दरवाजे तोड़ लियांदे चगाठां पट लियांदियां जिहड़ा घर बनाया सी पाड़ पाड़ के लकड़ां कहिंदे करण ने दंद भी तोड़ दित्ते सी सोने दा दंद सी कहिंदे आ भी दे देना वह भी तोड़ दित्ता सी महादानी महादानी करण इसे तरह
उन्हें अपने घर दे चगाठा भी बूहे भी सारा कुछ पाड़ पाड़ के लकड़ा ते धूणियां लातियां थां थां ते सरोवर दे आले दुआले गुरु रामदास सच्चे पातशाह बाहर आए कहिंदे कमाल हो गई ओए धूणियां लाइया ने संगत वास्ते सेवा किन्ने कीती है आखे जी बाबे आदम ने सदो संगत विच सारी विच ठा लिया उठ के खलो गया मारे कहिंदे बाबा मंग की मंगना मैं उत्थे ही लियावांगा बेनती जो मंग है ठाकुर अपने ते उहनूं अपना बना लै फिर जो मंगेगा मिल जाएगा मारे कहिंदे ने दस सच सतगुरु कहिंदे ने की इच्छा तेरी हाथ जोड़ के कहिंदा दाड़ी वेखी चिट्टी शर्म आ गई पुत मंगांगा हुण इस उमरे रस आउण लग गया सेवा विचों ही कहिंदा सच्चे पातशाह नाम दी दात बख्शो कोई इच्छा नहीं मारे कहिंदे ने कल नूं मंग ली क्योंकि उह ते जाणदे ने भी इच्छा कोई होर है मंगदा कुछ होर कल नूं आ जाई बाबा आदम वापस गया अगले दिन फिर संगत विच ठा लिया कहिंदे दस इच्छा की है कहिंदा सच्चे पातशाह बस नाम दी दात बख्शो होर कोई इच्छा मंग लै नहीं महाराज तुसी जानदे ही हो कोई इच्छा नहीं एक मौका होर देने कल नू आ जाई किसी ने दस दिता बीबिया ने जाके उहदे घर वाली नू तेरे घर वाले नू महाराज रोज पुछदे मंगदा नहीं वो आ गई फिर कहिंदे महाराज ने तेनू पुछया सी भी मंग जो मर्जी कहिंदे पुछया सी कहिंदे फिर मंगना सी कहिंदे भागवान ने शर्म आ गई मंगदिआं कहिंदे कल नू मैनू लैके चलनी मैं मंगांगी सतगुरां तों वेखो घर बनना घर दा बच्चियां दा ज्यादा औरत नू हुंदा है कहिंदे ने मावां भावें होवण परियां नाल हुसन दे डक डक भरियां चंगे घरीं व्याहियां वरियां पहनण पट हनावण जरियां पर पूरा कदे शिंगार ना होवे जे लालां दा गल विच हार ना होवे इह लोक मनदे ने भी औरत दा असल शिंगार है उहदे घर औलाद होणी इदां सोचदे ने पर अजोके समें अंदर इदां दी सोच नहीं गुरमुखो उहने इच्छा रखी बेनती कीती हमेशा औरत कुछ ना कुछ रब तो मंगदी रहिंदी है तुसीं वेखोगे मुंडा नहीं कहिंदा भैण होवे भैण कहेगी वीर होवे वेख्या कदी बच्चा मुंडा आखे भी भैण होवे मुंडा गुरुद्वारे जाके अरदास करे भी मैनू भैण बख्शो मैं खुद कई बच्चियां नू सुनिया है बाबा जी अरदास करो मेरे घर वीर हो जाए निक्की दी लग पैंदी वीर मंग तीन साल की बच्ची कहण लग पैंदी मेरे घर वीर नहीं तीन साल दियां बच्चियां कहना शुरू कर दिंदियां कमाल की गल है मुंडा तेरह साल का नहीं कहिंदा मेरे घर भैण होवे इसे करके गल है कि औरत रब ने कुछ ना कुछ मंगण लई बनाई है निक्की जी हुंदी है वीर मंगदी है वड्डी हो जाए वर मंगदी है व्याही जाए पुत मंगदी है पुत वड्डा हो जाए नूं मंगदी है नूं तो बाद पोता मंगदी है बुजुर्ग हो जाए ना भी रोटी देवे सारा टब्बर पर एक खूंजे च बैठी सारे टब्बर दी सुख मंगदी मंगदी रही सारी जिंदगी ਭਾਵੇਂ ਨਾਮ ਹੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਪਰ ਸੁੱਖ ਹੀ ਮੰਗੇਗੀ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਪਰਸੋਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ ਪਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਚਾ ਲਈ ਦੋ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਚੱਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦਵਾਈ ਦਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਆਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਚਾ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਦੱਸ ਲਿਖਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਪੈਰ ਫਿਸਲਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਵੇਖੋ ਜਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਘਣਸ਼ਾਵਾਂ ਬੂਟਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛਾਂ ਉਧਾਰੀ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਕਣਛਾਵਾਂ ਬੂਟਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛਾਂ ਉਧਾਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਵਰਗ ਬਣਾਏ ਬਾਕੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੂਟੇ ਜੜ ਸੁੱਕਿਆਂ ਮਰਜਾਂਦੇ ਐ ਪਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਮਰਜਾਇਆ ਇਹ ਬੂਟਾ ਸੁੱਕ ਜਾਏ ਮਾਂ ਐਸਾ ਕਣਛਾਵਾਂ ਬੂਟਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੜ ਸੁੱਕਿਆਂ ਤੇ ਜੜ ਵੱਡਿਆਂ ਤੇ ਸੁੱਕਦੇ ਨੇ
जदों जड़ सुक जाए बाकी दे सारे बूटे उदों सुकदे ने। कहिंदे मां ऐसा बूटा जदों इहदे फुल्लां नूं कुछ हुंदा है फिर सुक जांदी फिर मर जांदी। बच्चियां दा दुख नहीं चल सकदा, आप नूं जो मर्जी हो जाए। ते साध संगत ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਮੰਗਾਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮੰਗੋ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਤ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ। ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਮੰਗੇਗੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸਾਈਆਂ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮੁੜਿਆ। ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਐ ਦਿਲ, ਰਹਿਮ ਮਿਹਰ ਤੇਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਆਏ ਆ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਇਆ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਭਰ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਗਰ ਕਦੇ ਵੀ ਛੁੜਿਆ ਨਾ। ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਹਿਣ ਦਿਨ ਸੁਪ੍ਰਭਾਤ ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਗਾਵਣਾ। ਕੀ ਜੰਤ ਸਰਬੱਤ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਤਿਆਵ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਤੇਰਾ ਤਕ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਸਮਝੇ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਪੁਸਰੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਥਾਲੇ ਮਾਹੇ, ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਇੰਨੀ ਗੁਰੂ ਮਨਾ।
मनाया रज रज से ही खा है। उन्होंने कोई कमी नहीं जिन्होंने मना लिया, जिन्हां ते खुशी है। सतगुरु होए दयाल ना कबहू चूरी है, सतगुरु होए दयाल ता शरदा पूरी है, सतगुरु होए दयाल ना कबहू चूरी है, सतगुरु होए दयाल ता दुख ना जानी है, सतगुरु होए दयाल ता हर रंग वाणी है, सतगुरु होए दयाल ता जम का डर के है, सतगुरु होए दयाल ता सद ही सुख दे है, सतगुरु होए दयाल ता नव नित पाई है, सतगुरु होए दयाल ता सच समाई है। किसे गल की कमी जे गुरु दयाल हो जाए, सतगुरु वल हो जाए, ते सत संगत महाराज सच्चे पातशाह नूं आख्या महाराज खाली मुड़ना पएगा। धन गुरु तेग धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह आखन लगे तुहाडे कर्मां च है नहीं, साडे च चार होने ने, तीन आ गए ने, घोर होना है। लो प्यारिओ तुहाडे घर औलाद नहीं सी होनी, पर साडे घर विच जिहड़ा आउणा है उह हुण तुहाडे घर भेजदे आ। इथे रहन वाला भी शक कर सकता है, कोई भी ऐदा हो नहीं सकता, इथे ही होया है, इस नगर च ही होया है, इस पिंड च कृपा की गुरु तेग बहादुर साहब, इथों का ही इतिहास। चार बख्शे सी बचन किया सी महाराज ने, उत्थे क्या एक पुत होएगा जमदा ही भगतियां शक्तियां वाला, ना भगतू रखियो, फिर ना रखिया भाई भगतू। लोग गल्लां करदे सी, गल्लां वालियां दे मूंह बंद हो गए, 70 साल की उम्र च किवें बच्चा हो सकता है, इदां दीआं गल्लां करदे सी, पर सतगुरु सच्चे पातशाह की कृपा हो गई, मेहर हो गई। सो इस करके सत संगत श्रद्धा की लोड़ है, अपना बनाउण की लोड़ है, ते दातां पाईए, दाते नूं भरा ना करिए, फिर दातां सुख दिंदियां ने, नहीं ते दातां दुख देण लग पैंदियां ने। दातां पा के दाते नूं भुलीए ना, सतगुरु साडे ते मेहर करन। पहली मेरी बेनती जरूरी ए भी जिन्ना चिर गुरु ग्रंथ साहब इत्थे ने उन्ना चिर किसी ने उठना नहीं, यह जरूरी बेनती। अज लास्ट दीवान ने, अज अरदास सावधान हो के हुक्मनामे सुन के फिर असी महाराज जी दे जाण तों बाद आपो अपने घरां नूं चाले पाणे, पहला नहीं जाना। दूसरी बेनती, आप जी दे इलाके च नेड़े तेड़े किते भी बरेटियां दे कोल दवान दिते ने, असी दिन दे दवान ने, रात दे दवान तोगोवाल नगर पैंदा साडे ढडरियां पिंड दे बिल्कुल नाल, ढडरियां भी नेड़ी है इथों, मेरा ख्याल मसां ही 10 किलोमीटर होएगा, ते नाल ही उत्थे तोगोवाल पिंड है 12 किलोमीटर होएगा इथों सिर्फ, उत्थे तीन दवान ने साडे। रात दे इलाके वालियां नूं बेनती भी जे ते तोगोवाल नेड़े पवे, रात दे दवान उत्थे ने, उधर नूं इधर नूं जा सकदे हो, ते जे ब्रिटेन वाले नेड़े पैणगे ते फिर इधर धर्मपुरा शायद पिंड मेरे हुण ना नहीं पूरा याद, उत्थे दवान ने, उत्थे दिन दे ने, सेम डेटा ने, इधर दिन दे इधर रात दे, जे इधर नूं नेड़े पवे इधर नूं जाओ, नहीं ते फिर इधर जिधर रात दे सुनने ने रात नूं, जिन्हां नूं दिने टाइम है दिने पहुंच सकदे ने, दोवें ही नेड़े ही ने, दिन दे भी रात दे भी, 9, 10, 11 मार्च दे दवान ने उत्थे हाजरी भर सकदे हो। सर्व संगतां दा, सारे इत्थों दे प्रबंधकां दा धन्नवाद। मैं अर्ज अगे भी कीती सी वी इत्थे तीन दवान दित्ते सन पहलां, पर मेरी सेहत खराब होण करके मैनूं एक महीना पूरा दवानां तों डॉक्टरां ने मना कीता सी, एक महीने च बहुत दवान सानूं रद्द करने पए जिहदे विच ख्याले दे दवान वी आ गए सन, उदों दवान नहीं लग सके, फिर दुबारा इन्हां नूं दवान मिले ने। कई तो इस भी गल विच ही कईआं नूं बहुता पता भी नहीं हुण दवानां दा लगा, पहलां सारिआं नूं पता सी फिर रद्द हो गए, हुण दुबारा बहुता नहीं पता लग सकिआ, पर फिर भी संगत दूरों नेड़ों पहुंच के हाजरियां भरदी रही है। तीन चार हुण 7-8 क दिन पहलां मेरे एक सट वज गई सी, चूला उतर गया सी, मैं क्या ख्याले वाले हुण फिर रह जाणगे, तुरिआ नहीं सी जांदा, बड़ी मुश्किल सी, ते पर फिर भी महाराज साहब जी ने कृपा की, मैं तिने दिन आप जी के दर्शन किए, भावें थोड़ा बैठने में तकलीफ अजे है, बहुता समा नहीं बह सकता, पर यह हुण दवान सारे दिते हुए सन, अज रात के दवान मरिंडे शुरू होने, तो जिथे कि महाराज साहब जी मेहर करते हैं हर जगह। मैं इको गल पर जोर देना कि श्रद्धा भावना में वाधा करो, श्रद्धावान बनो, आस्तक बनो, नास्तक ना बनो, गुरमुखां साधुआं रंगियां दी संगत करो, मनमुखां दी संगत तों बचो, अमृतधारी होवो सिंह सजो। कल मैं सिमरन बारे बार बार बेनती कीती है कि थोड़ा समा भावें सुभाव बनाओ, पर 5 मिंट 10 मिंट रोज बैठण दा सुभाव बनना चाहीदा। पहलां नाम पंज प्यारियां तों लैणा है, फिर उस नाम की कमाई करनी है,
अमृतधारी हो के सिंह सज के गुरु वाले बन के अपना लोक परलोक सुहेला करिए आवागमन के चक्कर चो बचिए। सारी संगत का इथों दे सारे प्रबंधकों का अमृत छकन वालों का लंगर पकाने वालों का वरताने वालों का पहरे ते खलोने वालों का स्टेज सजाने वालों का सतगुरु जी नूं लैके आउण वालों का सब का धन्नवाद। जिथे जिथे जिन्ना जिन्ना गुरमुखां ने जो जो सेवावां कीतियां ने सब का मैं धन्नवाद करदा होया होईआं तमाम भुल्लां दी खिमा मंगना। सतसंगत जी बोलदिआं बड़ियां गलतियां भुल्लां हो जांदियां ने, आप जी ने खिमा कर देणियां ते मैं अर्ज फिर उह अगे वाली करांगा कि अज वेखो किन्नियां फसलां लोकां दीआं बर्बाद हो गईआं, गड़े पै गए। ये मैं अर्ज अगे भी कीती सी भी अज मैनू सिंह दसदे सी भी कहिंदे जी तूड़ी बनाउण जोगी भी फसल नहीं रही साडी, इन्नी बर्बादी इत्थों 50 किलोमीटर भी नहीं पैंदा, इन्नी बर्बादी होई है। ते वेखो अज असीं जे बचे हां ते इह सतगुरु दी कृपा है ते धन्नवादी होया करिए। जदों भी कदे महाराज सच्चे पातशाह कृपा करदे ने गुरुद्वारे जाना शुरू कर दिया करो भी सतगुरु मेहर करो, सदा ही जाना है, सदा ही अरदासां करनियां ने, हमेशा ही बेनतियां करनियां ने। सतगुरु सच्चे पातशाह फिर कृपा करदे ने, आओ सर्व संगतां इथों दे प्रबंधकां दा धन्नवाद, आए हुए महापुरशां दा जिन्ने भी महापुरश आए सारियां नूं स्टेज वल्लों सिर पाओ दित्ते जाणे ने, सत्कार कीता जाणा है। सारियां महापुरशां दा बहुत 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 धन्नवाद ते सब तो वध धन्नवाद धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दा जिन्हां ने सानू सारी कृपा कीती साडे ते मिलके बैठण दा रल मिलके बैठण दा समां दित्ता, होईआं तमाम भुल्लां दी खिमा करनी। जिहड़ा कोई रह गया होवे जिन्हें मत्था नहीं गुरु ग्रंथ साहिब नूं टेकिआ, पिछे बहना पै गया जिन्हों, वह आके अगे गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मत्था टेक लैण। बाकी सारी संगत ने इसे तरह सजे रहना है। गुरद्वारा परमेश्वर द्वार साहिब संगरांद दा दिहाड़ा मनाया जांदा है, उत्थे रात का दवान हुंदा संगत जी, अमृत संचार हुंदा। जे किसी का अज भी मन मने तो उत्थे जा के अमृत की दात प्राप्त कर सकते हैं। 14 मार्च की संगरांद आउणी है, रात का दवान होएगा, उत्थे 5 बजे अमृत का बाटा तैयार हुंदा है। उत्थे छक लो जिथे कितने नेड़े प्रोग्राम कोई भी होवे, अमृत छको, अमृत ही कोई है, अमृत दीआं वंडियां नहीं पाणियां चाहीदियां। गुरु ग्रंथ साहब दे लड़ लगना, जिन्ना चिर महाराज साहब जी नहीं जाते उन्ना चिर किसी ने जाने की खेचल नहीं करनी। सतगुरु जी का अदब सत्कार मुख रखना है। आओ सारी संगत गज के आनंद साहब से बोलो। रामकली मोहल्ला तीजा आनंद को सतगुरु प्रसाद शब्द हो
छुट्टी
ਸੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਵੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰਬਰ ਤੇ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।